हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो पे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा न्यू लॉन्च के बारे में बात करने वाली हूँ। एंड यू गाइस लव लिप्स वॉचेस, सो यस, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन विद द इंट्रो। अपना जो भी थॉट्स है वो सब आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे ये पसंद है कि नहीं, क्यों पसंद नहीं है, सो ये वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। एंड उसके साथ साथ मैं इस आर्टिफिशियल लाइट एंड ऑल्सो इन द डे लाइट पे दोनों तरह के स्वॉचेस दिखाने वाली हूँ, विद एंड विदाउट मेकअप पे। सो यस, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दिस इज द पैकेजिंग। तो आप लोग जब खरीदोगे ना, आपको एक आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग मिलेगा। तो मुझे वो पैकेजिंग तो मिला नहीं, क्योंकि मुझे पीआर बॉक्स रिसीव हुआ है। सो दे हैव लॉन्च दिस इन 15 डिफरेंट शेड्स। यस, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 15 डिफरेंट शेड्स है, आप लोग देख सकते हो। सो यस, 15 डिफरेंट शेड्स है। एंड मुझे लगता है शेड रेंज बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे जितना लगता है शेड रेंज पे भी आपको ब्राउन भी मिलेगा, एंड ब्राउन पे आपको ब्राउन न्यूड भी मिलेगा, पिंक पे पिंक न्यूड भी मिलता है, रेड भी है, एंड यहाँ पे मॉव भी है। सो यस, आई क्वाइट लाइक द शेड रेंज। शेड रेंज पे आपको अच्छा खासा शेड्स मिल जाएंगे। तो करेंटली आई एम वेयरिंग द शेड कॉल्ड MP3 डस्टी रोज़। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पिंक, एवरीडे पिंक कलर, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा सारी स्किन टोन पे। एंड येस, आई एब्सोल्युटली लव दिस शेड। सो येस, अभी अगर पैकेजिंग की बात करें, आप लोगों को अपक्लोज मैं पैकेजिंग दिखाती हूँ, आप लोग देख सकते हो। दिस इज द इनर पैकेजिंग, एंड सी थ्रू पैकेजिंग है, कलर कोऑर्डिनेटेड पैकेजिंग है, आप लोग देख सकते हो। तो जैसे लिपस्टिक का कलर है, वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। एंड इसके बैक साइड पे यहाँ पे आपको शेड नेम एंड नंबर भी मिल जाएगा, विच इज ग्रेट। एंड उसके साथ साथ अभी अगर एप्लीकेटर की बात करें, तो आप लोग देख सकते हो नॉर्मल जो डोफूट एप्लीकेटर है वैसा ही है, स्टेडी सा है। सो यस, आई क्वाइट लाइक द एप्लीकेटर, एंड पैकेजिंग गोल्डन कलर पे है। जो ये पैकेजिंग है ना, ये मुझे वो एले कलर्स का जो एक लिपस्टिक था वैसा पैकेजिंग लगा। अभी अगर प्राइस पॉइंट की बात करें तो ईच ऑफ दिस डिटेल्स फॉर 499, यस 500 से बस ₹1 कम है। एंड यू आर गेटिंग 4.2 ml ऑफ प्रोडक्ट। सो यस, क्वांटिटी वाइज द प्राइस इज ओके, एंड द क्वांटिटी इज क्वाइट गुड। तो यस, आप लोग पैकेजिंग देख सकते हो, पैकेजिंग की तो बात हो गई। अभी अगर फॉर्मूला की बात करें, तो इट हैज प्राइमर प्लस मैट। यस, इट इज प्राइमर प्लस मैट, सिर्फ मैट लिपस्टिक नहीं। तो इसपे लिपस्टिक का जो प्राइमर है, मतलब वैसा है, तो आपके लिप्स में एकदम ड्राई फील नहीं होगा, ये इन्होंने बोला है। सो दे से दिस डज नॉट गिव यू द क्रैक लिप्स। यस, सो अभी अगर क्रैक लिप्स की बात करें, तो यस, दिस डज नॉट गिव यू क्रैक लिप्स, बट सिंस दिस आर प्राइमर प्लस मैट, आप लोग देख सकते हो एक अजीब सा फील हो रहा है, मतलब थोड़ा सा चिपचिपा सा फील हो रहा है। स्पेशली जो यहाँ पे 15 जो शेड्स है ना, इन्होंने जो लॉन्च किया है, 15 शेड्स ही पूरा का पूरा पिगमेंटेड नहीं है। कुछ कुछ शेड्स है जो बहुत ही अच्छा है, फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मुझे सच में अच्छा लगा। स्पेशली ड्राई होने के बाद ये जो स्टिकी सा फील है, उतना ज्यादा फील नहीं होता। एंड बट कुछ कुछ लिपस्टिक है ना, उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, स्पेशली ओपेक नहीं है, एंड पिगमेंटेशन के तो बात ही मत करो, उतना ज्यादा पिगमेंटेड भी नहीं है। यस, वो सारे शेड्स आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ। सो यस, अभी मतलब मैंने सोचा था कि सारे शेड्स, मतलब कोई भी ब्रांड ऐसे जब लॉन्च करता है ना, तो मैंने नोटिस किया है जो स्पेशली बहुत ही ज्यादा लाइट कलर होता है, या फिर बहुत ही ज्यादा डार्क कलर जो होता है, वो उतना ज्यादा पिगमेंटेड नहीं होता। लिप्स पे आप जब अप्लाई करोगे ना, तो आपको मतलब जब उतना ज्यादा ओपेक फिनिश नहीं देता है, सो जो कि मुझे, मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती हूँ। सो यस, लैक्मी ने ये इस पर ये किया है, लैक्मी का जो प्रीवियस लॉन्च था ऐसा नहीं था। सो यस, आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड बाय द पिगमेंटेशन, क्योंकि सारे का पिगमेंटेशन सेम। ड्राई होने की बात करें, तो आप लोग इसको लगाने के बाद ना, ये बहुत टाइम लेता है ड्राई होने के लिए, कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए। एंड जो मैं कुछ शेड आप लोगों को बताने वाली हूँ, एंड कुछ शेड है ना, ये जो तीन शेड है ना, ये लगाने के बाद तो
मतलब इट वन इटर्निटी ले जाता है, मतलब ड्राई होने के लिए इतना ज्यादा टाइम लेता है, एंड फिनिश भी ओपेक नहीं देता है, पिगमेंटेशन भी अच्छा नहीं है ये तीनों शेड का। तो इन तीनों शेड का जो नाम है आपको स्क्रीन पे मेंशन किया हुआ मिल जाएगा। आई विल सजेस्ट यू टू अवॉइड दिस थ्री शेड्स। इफ यू वॉन्ट टू ट्राई दिस रेंज प्लीज अवॉइड दिस थ्री शेड। ड्राई होने में टाइम लेता है, एंड ड्राई होने के बाद ना कुछ कुछ शेड है बहुत ही ज्यादा स्टिकी सा फील होता है, जो कि मुझे अनकंफर्टेबल सा फील होता है ऑनेस्टली। एंड मुझे मैट लिपस्टिक पसंद है, बट मैट भी होगा, कंफर्टेबल भी होना चाहिए, बट स्टिकी फील भी नहीं होना चाहिए। तो लैक्मी का जो ये लॉन्च था, ये उन्होंने कंफर्टेबल के लिए बनाया है, मतलब उन्होंने बोला है बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होगा, बट ये स्टिकी सा फील होने के लिए ना मुझे उतना ज्यादा कंफर्टेबल सा फील नहीं हुआ, विच इज लिटिल डिसअपॉइंटिंग। तो गाइस चलिए भी देख लेते हैं स्वॉचेस विद एंड विदाउट मेकअप, एंड ऑल्सो इन द डे लाइट एंड ऑल्सो इन द आर्टिफिशियल लाइट, एंड उसके बाद मैं आप लोगों को मेरा जो फाइनल थॉट्स है वो बताने वाली हूँ। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this old to be
फोर्थ इज द
ऑल द शेड्स आर नॉट ओपेक, नॉट दैट मच पिगमेंटेड, सो येस. एंड सो येस, दीज आर द कॉन्स. सो अभी अगर सजेशन की बात करें, सो येस, आई विल नॉट सजेस्ट यू. मुझे लगता है इस रेंज पे आपको और भी सारे अच्छे अच्छे लिपस्टिक्स मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होगा, लॉन्ग लास्टिंग भी होगा एंड ट्रांसफर प्रूफ भी होगा. सो येस, आप लोग वो चेकआउट कर सकते हो. एंड आप लोगों को अगर नहीं पता है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो. मैं बहुत सारे ब्रांड का, न्यू लॉन्चेस का लिपस्टिक का रिव्यू कर चुकी हूँ, तो वो आप वहां पे जाके देख सकते हो. So yes, so I will rate this new launch 3 out of 5. Guys, that is all for today's video. And if you like this video, please don't forget to like, share, and comment down below your thoughts and opinion. And also, guys, if you're new to my channel, please don't forget to subscribe. And also, don't forget to hit the bell notification just next to the subscribe button, so that whenever I will post new video, you will get notified. So yeah, that's it. I will see you in my next video. Till then, bye bye and take care.